पार्ट टू, अज्ञात राइटर। ये देखो मैडम को, यहां सब मस्ती कर रहे हैं और इनको पहाड़ियों में दिलचस्पी है। पहाड़ी नहीं है ये, जंगल है। अंदर क्या होगा, किसी का घर, कोई पुरानी हवेली या और क्या हो सकता है? कहीं तू ही तो नहीं रहती ना इस जंगल में? अब इसका नाम भी बता दे। आज से इसका नाम पालन खेत, मेरा घर, आहार। कालिंदी बचपन से ही रहस्यमय शक्तियों में मानती थी। जहां उसकी उम्र के लोग मॉल घुमा करते, उसे जंगल सन्नाटा अपनी ओर खींचता था। वो अपने सपनों को हकीकत से जोड़ने की कोशिश किया करती और अपने अनुभव को एक डायरी में लिखा करती थी, जिसके कारण उसकी बेंचमेट उसका बहुत मजाक उड़ाया करते थे। फिर से कुछ लिखने बैठ गई तू, कितनी बोरिंग है रे तू। बस रुकती है और सभी नीचे उतरते हैं। वाटरफॉल के पास का नजारा बहुत ही खूबसूरत होता है। सब अपनी अपनी फोटोज लेने में लग जाते हैं, पर कालिंदी वाटरफॉल के नदी के बहाव को देखती रहती है। नीचे उतरना है क्या? उतर जा। सुष्मिता की बात पर कालिंदी चिढ़ जाती है और नदी के बहाव के साथ चलती हुई उसी जंगल में पहुंचती है जिसको उसने पालन खेत नाम दिया था। अंदर एक बहुत खूबसूरत सी हवेली होती है। वो अंदर क्या देखती है? एक औरत काले कपड़े में बैठी एक कुंड में आहुति दे रही है। ओम फट स्वाहा। वो औरत हवा में हाथ घुमाती है और उसके हाथ में अपने आप कुंड में डालने की आहुति आ जाती है। कालिंदी इसके पहले की कुछ सोच पाती उसका फोन बज जाता है। अगले दिन कॉलेज कैंटीन में जब सब लंच कर रहे होते हैं, कालिंदी गेट से अंदर आती है। यहाँ क्या कर रही है तू? अरे अरे, तेरी डायरी कहाँ गई बहन जी? आज बड़ी सोशल बन रही हो कालिंदी, क्या बात है? सुष्मिता के सभी दोस्त कालिंदी को परेशान करने लग जाते हैं। कालिंदी रोती हुई कॉलेज के टेरेस पर जाती है। अब बहुत हुआ, इन लोगों की हेकड़ी ना उतारी मैंने तो मेरा नाम कालिंदी नहीं। कालिंदी बस पकड़कर पालन खेत निकल जाती है और उसी औरत के पास जाकर कहती है, मुझे मदद चाहिए आपकी, ये सब मुझे बहुत नीचा दिखाते हैं। अब तो यहाँ से या मैं मर कर जाऊंगी या बदला लेकर। वो जो कहते हैं उन्हें कहने दो। सामने देखो तुम्हारी डायरी और पेन, कल तुम इन्हें यहीं भूल गई थी ना? जाओ खोलो उसे। कालिंदी डायरी खोलती है। इसमें तो कुछ भी नहीं है, खाली है ये। पेन को उठाओ और कुछ लिखो, तुम जो चाहोगी वो मिल जाएगा तुम्हें। अब तो खुश हो ना तुम। कालिंदी पेन उठाकर किताब में लिखने लगती है। वहाँ बहुत सारी किताबें आ जाती हैं। ये तो सच में जादू हो गया। तुम्हारा मन बहुत अच्छा है बेटी, जाओ अब खुश रहो। कालिंदी वापस कॉलेज जाती है और अपनी ही धुन में मगन हो जाती है। उसकी खुशी बाकी लोगों से बर्दाश्त नहीं होती और उसके पीजी के कमरे के बाहर सभी ताका झाके करने लग जाते हैं। अब क्या मांगू? जान, छोटा सा जान, हाथ में कैसा लगता होगा ना? ये क्या बकवास कर रही है? सही में तेरा ऊपर का माला खाली है। तुझे ही देखना था ना इसकी खुशी का राज, चल अब। दोनों आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि खिड़की से एक रोशनी आती है। दोनों देखते हैं कि कालिंदी के हाथ में सच में चांद है। ये मेरी आंखों का धोखा है, धोखा है, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, ये भ्रम नहीं है, ये सच्चाई है। पर इसे ये कहां से मिला? सोच अगर हम इसे चुरा ले तो। और रोहन उस पेन को चुराने में जुट जाता है। वो सोचता है कि रात को कालिंदी के कमरे के बाहर आग लगा देगा ताकि वो भागेगी और रोहन पेन चुरा लेगा। रात को रोहन पेन के लालच में आग लगाने जाता है, पर आग बेकाबू हो जाती है और कालिंदी कमरे से बाहर ही नहीं आ पाती। बचाओ, बचाओ! कालिंदी मर जाती है। मंदाकिनी को कालिंदी की मौत का एहसास हो जाता है। मार डाला उन्होंने मेरी भोली बच्ची को, अब कोई नहीं बचेगा। यहाँ आ बेटा, मेरे पास आ कालिंदी। कालिंदी की आत्मा वहां आकर अपना गुस्सा दिखाती हुई कहती है, हे सारी शक्तियों के देवता, अगर मैंने कभी भी किसी का भला चाहा हो तो मैं अपने सभी अच्छे कर्मों के बदले इंसाफ चाहती हूँ।
इस अग्नि में अपनी आत्मा की आहुति देते हुए तुझे विनती करती हूँ कि मुझे एक ऐसी आत्मा बना दे, इतनी बुरी और शक्तिशाली, जो अपने गुनेगारों को तड़पा तड़पा कर मारे। ये कहकर कालिंदी की आत्मा आग में समा जाती है और आग से निकलकर कालिंदी के गुस्से से पैदा हुई आत्मा उसके पैन में समा जाती है और फिर शुरू होता है मौत का खेल। सुष्मिता अपने कमरे में सो रही होती है। रात को उसका फोन बजता है। इट्स मी रोहन, दूसरे नंबर से कॉल करना पड़ा। तुम कॉलेज के पीछे वाली पहाड़ी पर आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। इसके पहले कि सुष्मिता कुछ बोल पाती फोन कट हो जाता है। सुष्मिता नाइट ड्रेस में ही भागते हुए कॉलेज के पीछे की पहाड़ी पर जाती है। जंगल की धूत अंधेरे में दिखता है वो चमकता हुआ पैन। मान गए रोहन, तुम्हें आखिरकार पैन मिल ही गया। सुष्मिता पैन उठाने जाती है कि पैन में से कालिंदी की आत्मा बाहर निकलकर सुष्मिता को पहाड़ी के ऊपर से नीचे धक्का दे देती है। ये तो बस शुरुआत थी, सब मरोगे। और वही होता है, जिसने भी कालिंदी को दुख दिया था सब मर जाते हैं। पर आत्मा अब इतनी क्रूर हो चुकी थी कि वो रुकती ही नहीं। अब पैन और ज्यादा खून की प्यासी हो गई थी। एक दिन 16 साल का एक लड़का करण नदी के किनारे बैठा हुआ होता है। एक चमकती हुई पैन उसका ध्यान अपनी ओर खींचती है।